हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में समझने वाले हैं। हम इसके पहले डेफिनेशन देखेंगे और फिर हम इसके टाइप्स देखेंगे। तो सिंपल सा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन को सिंपल सा मैंने लिख दिया है। कंडीशनल स्टेटमेंट अलाउ टू यू मेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ कंडीशन। तो इसमें क्या बोला है, कंडीशन हमको क्या करता है, कंडीशनल स्टेटमेंट हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमको रिजल्ट देता है। ठीक है फ्रेंड, कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या होता है, जैसी हम कंडीशन डालते हैं वैसा ही रिजल्ट हमको मिलता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे चॉइस देता है ये दो, ठीक है, कि आप क्या करना चाहते हो। ठीक है, जैसी हमारे पास चॉइस देता है, जैसी हम कंडीशन डालेंगे उस अकॉर्डिंग हमको रिजल्ट मिलेगा। तो डेफिनेशन भी हमें ये बोला है, Allow to you make a decision based on the result of condition। ठीक है, हमारे पास यह चॉइस देता है, ठीक है, कि जैसी आप कंडीशन डालते हो वैसे ही आपको रिजल्ट मिलता है। ठीक है, सिंपल से हम टाइप्स देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, टाइप्स ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा होता है इफ स्टेटमेंट, सेकेंड होता है हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट, थर्ड होता है हमारा एल्स इफ स्टेटमेंट, फोर्थ होता है हमारा नेस्टेड इफ एल्स else स्टेटमेंट, और फिफ्थ होता है हमारा स्विच स्टेटमेंट। ठीक है फ्रेंड, और हम आने वाली वीडियो में सभी वीडियो में हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। इफ को पढ़ेंगे, फिर इफ else को पढ़ेंगे, फिर else if को पढ़ेंगे, फिर nested if else को पढ़ेंगे, फिर स्विच को पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो सभी वीडियो आपके पास स्टेप बाय स्टेप आती रहेगी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ।